दिखाना है तेरे ईमेल दिया ये रोड पे इतना प्रूफ क्यों पड़ा हुआ है सर ऐसा है जैसे अचानक मैं यहाँ हर रोज की तरह पिछले 24-25 सालों से रेडी लगा रहा हूँ मैं जब सुबह में आता हूँ तो यहाँ से बच्चों का मुंह देख के ही आता हूँ कि शाम को मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिलेगा अब अचानक जब मैं आज यहाँ रेडी लेके आया तो मैंने कोई अभी 1:30 बजे के टाइम तक मैंने यहाँ पर रेडी लगाई लगाने के बाद यहाँ से जीवल तक किनाल रोड पर कम से कम 50 रेडियाँ लगी हुई हैं तो फिर मैंने लाइसेंस भी ले रखा है रेडी लगाने का भी ले रखा है फूड एंड सप्लाई का भी लाइसेंस है मेरे पास और मैंने लोन भी ले रखा है अब ये बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं कि हमारे जीने का अधिकार नहीं है कि हम यहाँ पे कमा खा नहीं सकते प्रवासी मजदूर होने के कारण कि गवर्नमेंट हमारे लिए यही सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास अब ये बताओ क्या गवर्नमेंट को दोष दिया जाए प्रशासन को दोष दिया जाए किसको दोष दिया जाए कि हमारा कोई अधिकार नहीं अब सामान सारा मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इसको क्या मैं फेंक दूँ या बच्चे लेके यहाँ से चले जाऊँ छोटे छोटे बच्चे आ गए मैं भी एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ मुझे यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी क्या क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ क्या मैं बाहर का आई हूँ यहाँ और भी रेडियां थी और किसी की नहीं उठाई सिर्फ सर यहाँ से लेकर किनाल रोड पर 50 रेडियां लगी हुई है सिर्फ मेरी रेडी क्यों उठाई अगर उठाना था आपकी कोई ड्राइव थी तो आप सारी रेडियां उठाते ना एक मेरी रेडी से कौन सी वजह निकल रही है छोटे छोटे बच्चे ही देखो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे ये बताओ आगे तो मेरा बेटा भी बीमार है एक ही बेटा है मेरा छोटा सा इनकी दवाई पट्टी कराऊं या अपना पेट भरूं या बच्चों का सर ये गलत हुआ जो भी हुआ इनके साथ गलत हुआ है तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सोचना चाहिए छोटे छोटे बच्चे हैं इनके देखो ये कहाँ जाएंगे बेचारे अगर रेडियो उठानी है तो सबकी उठाएं अगर सही बात है सर गलत बैठे हैं तो सब गलत है बिल्कुल सही बात है जैसे पीछे भी काफी काल से दो रेडियां लगी है वो क्यों उठाया पानी वाली रेडी नारियल की रेडी पीछे की रेडी लगी है वो क्यों नहीं उठाया म्यूनसिपलिटी वाले सिफारिश काम कर रहे हैं हाँ यही चाहिए ये सही बात है आप जाके चेक करो जनाब और रेडियां लगी हुई वो क्यों नहीं उठाया देख सकते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है और इस युवक का सामान नीचे रख इनकी रेडी जो है वो उठा के ले जाती है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए रोज यहाँ पर ये है कि अगर कार्रवाई इन पे हुई तो साइंस कॉलेज ये कॉमर्स कॉलेज के बाहर इस समय है और यहाँ से लेके अगर जीवल चौक तक जाएंगे तो कई रेडियां जो है सड़क पे आपको नजर आएंगी मगर इनका कहना है कि किसी को छेड़ा नहीं गया सिर्फ और सिर्फ इनकी रेडी जो है वो उठा के ली गई क्या कारण लगे आप ही की क्यों उठाई गई सर कारण क्या मैंने पूछा सर मैंने बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी गिर गया उनके सामने बोला आपकी शिकायत आई है आपकी शिकायत आई है आपकी रेडी उठाने को स्पेशली बोला गया है मैं सर क्या मैंने सर मेरी क्या शिकायत है आप बताओ तो सही बोले आपकी यहाँ से शिकायत की गई है कि आपकी रेडी उठाई जाए साहब ने बोला कमिश्नर साहब ने कह रहा धूप में लगा रहता है हम खुद देखते हैं यहाँ पे लगा रहता है बेचारा मेहनत इतनी मेहनती बंदा ये मेहनत कर रहा है फिर भी इसको कमाने नहीं दे रहे खाने नहीं दे रहे बाकी जीवल देखो कितनी रेडी है वो क्यों उठाई एक यही यही दिखा जा रहा है ये देखो दो दो तीन तीन बच्चे हैं इसके छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे अगर कार्रवाई है तो फिर सबके लिए है नहीं तो फिर किसी के लिए कार्रवाई जो है वो नहीं होगी और वहीं आप देख सकते हैं बीच रास्ते में बच्चों के साथ ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर खड़ा है क्योंकि इनका सामान यहाँ रख यहाँ से जो है वो रेडियां उठा के जो है वो ले गए हैं तो समय की बड़ी अपडेट साथ के साथ शेयर करें कि कानून सिर्फ किसी एक के लिए है या फिर सबके लिए है वही बीच रोड सामान जो है वो फेंका गया हालांकि इनका साफ कहना है कि इन्होंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है और हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया गया मगर पर्टिकुलर यही एक रेडी क्योंकि ये भी कहा गया है साथ में कि इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट आई गई थी शाम के समय अगर आप कैनाल रोड आते हो तो ये रास्ता जो है अगर आपको पार करना है तो आपके पास अतिरिक्त आधा घंटा होना चाहिए आधा घंटा आपके पास है तो ही आप इस रोड पे आएंगे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम जो है सबसे अधिक और हर बार की तरह यहाँ ट्रैफिक जाम जो है वो रहता है मगर वहीं अब यहाँ पर कार्रवाई जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से की गई है मगर एक ही रेडी पे जो है वो गांज गिरी है यानी कि एक पर्टिकुलर रेडी पे जो है वो गांज गिरी है जिसके चलते लोग यहाँ पे एकत्रित है आम जनता जो है वो कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिएगा कि सबको लेके आपका क्या कुछ कहना है क्योंकि ये युवक जो है काफी ज्यादा परेशान है इस समय यहाँ पर किसी की रेडी उठाई सर मेरी रेडी उठाई और किसी की रेडी नहीं सर किसी की रेडी उठाई मेरी अकेले की रेडी उठाई है यहाँ से वहां तक 50 रेडी लगी मेरे हालांकि इनके सामने भी रेडी लगी छोटे छोटे 5 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं मेरे मैं कहाँ जाऊंगा बताओ अब मेरे को बोले तो म्यूनसिपालिटी दफ्तर आया आधार कार्ड लेकर 5,000 रुपये लेकर तेरा चलान होगा सर बताओ 5,000 रुपये मैं महीने में कमाने वाला एक बारी में चलान देगा 5,000 रुपये ये बताओ 5,000 रुपये एक बार चलान देगा मैं यहाँ पर घर से बाहर कमाने के लिए आया तो यहाँ पर अगर 5,000 रुपये चलान दूंगा तो अपने बच्चों के जहर खिला दूँ क्या करूँ छोटे छोटे बच्चों को तो यहाँ पर देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इनका कहना है कि कार्रवाई है तो सबके लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं
हालांकि रोड के बीच आप रेडी नहीं लगा सकते हो, जिससे पब्लिक को परेशानी होती है, ट्रांसपोर्ट को परेशानी होती है, जिसके कारण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये ड्राइवे चलाता है। मगर सवाल यही आता है, फिर एक रेडी क्यों? अगर परेशान है तो फिर वो सब पे गांज नहीं, फिर सिर्फ एक ही रेडी पे गांज क्यों? आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी रेडी है तो आप उसका लाइसेंस बनाएं, अपनी जोन में जाके आप अपनी रेडी लगाएं। मगर वहीं कई रेडियां जो हैं आज भी अगर आप करनाल रोड की तरफ आते हो तो वहां पे लगी होती हैं। और जिस तरह से इसका कहना है कि इसने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है हर एक सामान, और सबसे बड़ी बात है कि लोन जो है वो भी इन्हें दिया गया है। अगर लोन भी दिया गया है तो फिर लोन को चुकाना कैसे है? आपने लोन भी लिया है? सर मैंने लोन भी लिया 10,000 रुपए का। तो वो कैसे दिया? किस हजार रुपए दिया? 10,000 रुपए मैंने बैंक के आधार पे दिया, उसी में से काट लेते, जब कमा के डालता हूँ उसी में से काट लेते पैसे। और उन्होंने लाइसेंस भी बोला, मैंने सर अभी लाइसेंस भी अप्लाई किया, लाइसेंस की स्लिप मेरे पास है, ये देखो आप स्लिप, मैं आपको स्लिप दिखाता हूँ, ये मेरे पास लाइसेंस की स्लिप है सर, ये देखो, ये देख सकते हैं लाइसेंस की स्लिप जो है, स्लिप मेरे पास है, फूड एंड सप्लाई का भी लाइसेंस है, मैं बताऊँ कहाँ जाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी कोई रोजगार नहीं। जोन वगैरह दी इन्होंने, किस जोन पे लगा? कोई जोन नहीं थी, सब खुली रेडी लग रही है ऐसी। मैं अकेला यहाँ पर, मेरे से बोले आपकी रेडी उठाई जाएगी, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने सर एक बार मुझे सर वार्निंग दे दो, एक बार वार्निंग, बोले नहीं नहीं चुप करके खड़ा हो, वही चिल्लाते रहे, मेरी रेडी उठाते रहे, मुझे धमकाते रहे, कोई अफसर नहीं, कोई साथ नहीं, सिर्फ मेरी रेडी उठाई अकेले की। बाकी यहाँ से कनाल रोड पर 50 रेडियां लगी हैं, किसी को कुछ नहीं बोला, मेरे साथ भी रेडियां लगी हुई थी, किसी को कुछ नहीं बोला, आए मेरी रेडी उठाई और लेते चले गए। चलिए आप लोग भी अगर यहाँ से गुजरते हैं, अगर आपको भी यहाँ पे रेडियां खड़ी नजर आती हैं तो समझ लीजिएगा कि इसके साथ जो है वो गलत हुआ। अगर यहाँ पे रेडियां ना मिले तो समझिए कि गांज जो है वो सब पे गिरी है। तो फिर अपील रहेगी कि अपनी रेडी के लिए लाइसेंस जो है, और हालांकि इन्होंने इनका साफ कहना था कि अप्लाई जो है वो किया हुआ है, मगर फिर इनके लिए ऐसी जोन बनाई जाए ताकि ये लोग अपना काम जो है वो जोन पे करें, और फुटपाथ पे किसी तरह की परमिशन जो है वो किसी को नहीं है कि आप फुटपाथ के ऊपर किसी तरह की कोई रेडी जो है वो लगा सकते हैं। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहे चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।